Recording. अगला टॉपिक है प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब प्रिविलेज बताओ भाई, कोई डेफिनेशन बताओ प्रिविलेज की। बोलते हैं ना, यू आर नॉट ऑथराइज टू डू दिस थिंग, यू आर नॉट ऑथराइज टू डू दिस थिंग। आप ये भी बोल सकते, यू डोंट हैव प्रिविलेज टू डू दिस थिंग। मान लो कोई सीसीएन आरएनएस का स्टूडेंट है, ही इज नॉट ऑथराइज टू एंटर और सिट इन टू दिस क्लास, और ही डज नॉट हैव प्रिविलेज टू सिट इन टू दिस क्लास। प्रिविलेज का मतलब कि उस यूजर के पास क्या क्या एक्सेस है, वो कौन कौन सी क्लास में बैठ सकता है, ठीक है, क्या क्या ऑथोरिटी है उस पर्सन के पास। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रिविलेज लेवल ऑन राउटर। अब जब भी हम बात करते हैं प्रिविलेज लेवल ऑन राउटर, उसका मतलब क्या होगा? इट इज ए वे बाय विच वी कैन लिमिट द नंबर ऑफ कमांड्स एंटर्ड बाय ए यूजर। जब भी कोई यूजर डिवाइस पे लॉगिन करेगा, वो कौन कौन सी कमांड चला सकता है, व्हाट प्रिविलेज यू हैव गिवन टू दैट यूजर। इतना क्लियर? प्रिविलेज लेवल के बेसिस पे हम किसी भी यूजर को लिमिट कर सकते हैं कि भैया कौन तुम कौन कौन सी कमांड चला सकते हो, ठीक है। जब भी आप राउटर पे लॉगिन करते हैं या फिर स्विच पे लॉगिन करते हैं, एक ये मोड आता है, एक ये मोड होता है और एक राइट ये कौन सा मोड है? यूजर एग्जिट मोड। ये प्रिविलेज एग्जिट मोड या फिर इनेबल मोड बोल लो आप, और ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या आप यूजर एग्जिट मोड से सारी कमांड चला सकते हो? कैन रन सम लिमिटेड कमांड्स, ठीक है, आप सारी कमांड नहीं चला सकते। क्या आप इनेबल मोड से, जब आपके पास ये मोड हो, आप सारी कमांड चला सकते हो? नहीं चला सकते। कॉन्फ़िगर टेम्पलेट टाइप कर दो, सारी कमांड चला सकते हो आप। क्या आपके पास कोई लिमिट है कि आप कोई पर्टिकुलर कमांड ना चला पाओ इस मोड में? रुको ना, रुको, इधर रुको। देखो, जब भी आप किसी डिवाइस पे लॉगिन करते हो तो दो मोड की कमांड होती है, दो लेवल की। एक तो प्रिविलेज लेवल कमांड और दूसरा ग्लोबल मोड कमांड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कमांड, ठीक है। अब ये ऑप्शन और ये दो ऑप्शन जो है, यूजर एग्जिट मोड और प्रिविलेज एग्जिट मोड, किस कमांड को चलाने के लिए मेनली? यहां से आप प्रिविलेज लेवल की कमांड चला सकते हो। अब
अगर आपके पास यूजर एग्जेक मोड है तो क्या आप सारी प्रिविलेज लेवल कमांड चला सकते हो? नहीं, लिमिटेड कमांड चला सकते हो। ठीक है, अब अगर आपके पास प्रिविलेज एग्जेक मोड का एक्सेस है, क्या आप प्रिविलेज लेवल की सारी कमांड चला सकते हो? चला सकते हो, मतलब उस लेवल की सारी कमांड चला सकते हो या नहीं। ठीक है, यू कैन रन ऑल द कमांड, यू हैव फुल एक्सेस ऑफ द डिवाइस। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की भी सारी कमांड चला सकते हो अगर आपके पास इस मोड का एक्सेस है तो। ठीक है, Whenever we login to the router, we get this mode, right? User exec mode. To enter into privilege exec mode, अगर हमें privilege exec mode में enter करना हो, to enter into privilege exec mode, यहाँ पे हम कौन सी command चलाते हैं? We run enable command in user exec mode। अब आप सभी को पता है अगर मेरे पास ये मोड है तो मेरे पास सारी कमांड का एक्सेस नहीं है, अगर मेरे पास ये मोड है तो मेरे पास सारी कमांड का एक्सेस है। तो मतलब ऐसा हो क्या रहा है कि इस मोड में मैं कुछ कमांड चला सकता हूं और इस मोड में सारी कमांड। राउटर कैसे डिसाइड कर रहा है? हाँ, वही पढ़ रहे हैं ना, मैं बता रहा था कि किस लिए हमें कॉन्फ़िगर करना है प्रिविलेज। देखो, जब भी आपको राउटर पे लिमिट करना है नंबर ऑफ कमांड जो कि एंटर की है, आप हमेशा क्या कॉन्फ़िगर करते हो? प्रिविलेज लेवल। आप एक लेवल में आप सारी कमांड नहीं चला पा रहे तो मतलब वहां पे कोई ना कोई प्रिविलेज लेवल पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। अगर आपने इनेबल टाइप किया, आप दूसरे मोड में चले गए, तो वहां पे आपके पास कोई अलग लेवल है और वहां पे आप सारी कमांड चला सकते हो। नाउ राउटर इज नॉट चेकिंग दिस मोड और दिस मोड टू लेट द यूजर रन द कमांड। राउटर ये मोड चेक नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली वो क्या चेक कर रहा है कि इस मोड के साथ कौन सा प्रिविलेज लेवल है, क्योंकि हमेशा प्रिविलेज लेवल ही यूज होता है नंबर ऑफ कमांड्स को लिमिट करने के लिए। ठीक है, क्लियर इतना? Enable password Cisco 123। चलो enable password रहने देते हैं। Exit किया मैंने, मेरे पास ये वाला mode क्यों नहीं आ रहा? मैंने exit किया, GNS में नहीं आता। अच्छा, console से login किया हुआ है तो क्या हो गया? क्यों आएगा? GNS पे, और आपने ऐसे ही बोला कि GNS पे करोगे तो आएगा, वैसे नहीं आएगा, ऐसा क्यों? अब जब मैंने एग्जिट किया, एंटर किया, डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करेगा? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में? लाइन कंसोल चेक करते हैं, शो रन सेक्शन लाइन कंसोल। देखो लाइन कंसोल पे बाय डिफॉल्ट कौन सी कमांड चली है? प्रिविलेज लेवल 15। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा उसको क्या लेवल मिलेगा? लेवल 15। ये काम आप लाइन btby के साथ भी कर सकते हो। लाइन btby पे ये कमांड चला दो, आप कभी भी उस यूजर एग्जेक मोड में नहीं जाओगे। देखो पहले लाइन btby वाला दिखा देता हूँ, 0 to 4 नो लॉगिन। इस कमांड का मतलब सभी को पता है, जब भी कोई यूजर टेलनेट करता है कौन सा मोड मिला यहाँ पे? मिलेगा। अच्छा, आईपी नहीं है कोई, R3 से कर लेते हैं। किस मोड में गया? यूजर एग्जेक्ट मोड में। ठीक है,
मान लो मैंने आर टू पे जाके क्या कमांड चला दी, लाइन बी टी बाई 0 to 4 प्रिविलेज लेवल 50। अब अगर आप टैलेंट करोगे, देख रहे हो डिफरेंस, इस मोड से आप सारी कमांड चला सकते हो, इस मोड से आप सारी कमांड नहीं चला सकते, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है, कैसे है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है। पहले रीजन क्लियर हुआ कि जब भी आप कंसोल से लॉगिन कर रहे हो आपको लेवल 15 क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने राउटर पे कंफिगर कर रखा है, या फिर जीएनएस पे बाय डिफॉल्ट ये चीज कंफिगर्ड होती है, रियल डिवाइसेस पे आपको ये चीज कंफिगर्ड नहीं मिलेगी। तो हटा देते हैं एक बार, मिला यूजर एक्सेक मोड, इनेबल टाइप किया, कौन सा मोड मिला, प्रिविलेज मोड, ठीक है। यूजर एक्सेक मोड में कोई और प्रिविलेज लेवल होगा और यहां पे कोई और प्रिविलेज लेवल होगा, नाउ वी विल डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, इस पे अलग लेवल क्यों, इस पे अलग लेवल क्यों, क्योंकि यहां पे अलग अलग प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट कॉन्फिगर्ड होता है। डन, प्रिविलेज लेवल डेफिनेशन आपको पता है किस लिए है, प्रिविलेज लेवल कैन बी फ्रॉम 0 to 50, या फिर आप बोल सकते हो देर आर 16 privilege level that can be configured on a device and ranges from where 0 to 16, ठीक है। Done with a privilege level you can bind a command or multiple commands, आप किसी भी privilege level के साथ क्या कर सकते हो, command को bind कर सकते हो कि ये command इस level में run हो। इतना clear, by default three privilege levels are configured on the device। देखो लेवल होते हैं आपके 0 to 15 तक, 16 privilege level, 16 में से by default 3 enabled होते हैं, enable का मतलब 3 level के साथ पहले से ही specified है कि कौन कौन सी command चलेगी, ठीक है। And those three privilege level are नहीं level 0, level 1, level 50। देखो अब वो 7-11 नहीं है, वो टाइप ऑफ पासवर्ड थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई यूजर डिवाइस पे लॉगिन करेगा वो कौन कौन सी कमांड चला सकता है, कौन कौन सी कमांड चला सकता है, डिवाइस किससे डिटरमाइन करेगा, प्रिविलेज लेवल। जब भी आप इस मोड में हो तो आपको कोई लेवल मिला होगा 0 से 15 की रेंज के बीच का, जब भी आप इस मोड में हो आपको भी कोई क्या मिला होगा, लेवल 0 से 15 की रेंज का, ठीक है, क्लियर। नाउ With a privilege level, you can bind a command or multiple command. ये देखेंगे हम कैसे bind करते हैं। By default on router, three privilege level are configured or default enabled.
are configured or default enabled. Commands are already binded. ठीक है, अब जो तीन लेवल बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 15. लेवल 0 में भी कुछ कमांड्स है, लेवल 15 में भी कुछ कमांड्स है और लेवल 1 में भी कुछ कमांड्स. नाउ लेट अस डिस्कस विच कमांड इज अवेलेबल. लेवल 0 कोई यूज नहीं करता, ठीक है, बट हम इसको यूज करेंगे. नहीं, लेवल 0 के अंदर आप कैन रन दीज 5 कमांड्स, केवल आप 5 कमांड चला सकते हो. इनेबल, डिसेबल, एग्जिट, हेल्प, लो. बाकी और कोई कमांड नहीं चला सकते आप. शो आईपी राउट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नहीं चला सकते, ठीक है. लेवल 1 में कौन कौन सी कमांड चला सकते हैं? पहली बात, दिस लेवल इज डिफॉल्ट व्हेन गेटिंग एक्सेस ऑफ डिवाइस यूजिंग विथ यूजर exec मोड. जब भी आप यूजर exec मोड में एंटर करते हो आपको कौन सा लेवल मिलता है? लेवल 1. अब लेवल 1 में आप कौन कौन सी कमांड चला सकते हो? सारी शो की कमांड चला सकते हैं हम? कौन सी नहीं चला सकते? कैन रन ऑलमोस्ट ऑल शो कमांड, लगभग सारी शो कमांड चला सकते हैं हम, ठीक है. शो रन इज नॉट अलाउड, इसका एक रीजन है. क्या रीजन है बताते हैं ना अभी. लेवल 1 में आप शो की सारी कमांड चला सकते हो, शो रन नहीं चला सकते. उसके अलावा और क्या क्या चला सकते हो आप? कैन, पिंग, टेलनेट, ट्रेस राउट, और या फिर आप बोल सकते हो आप इसको कैन रन मैनेजमेंट कमांड, या फिर कैन बी यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस, ठीक है, और मॉनिटरिंग पर्पस, ठीक है. क्या आप लेवल 1 से कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चला सकते हो? कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड इज नॉट अलाउड. अगर आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड नहीं चला सकते, इसका मतलब क्या आप डिवाइस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो? नहीं. अब जब भी आप शोरन कमांड चलाते हो, शोरन, शोरन का मतलब क्या है? शो दी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने कॉन्फ़िगर की है. अब अगर आप कोई चीज कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते तो आप देखोगे क्या शोरन में? समझे? क्लियर? अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते इसलिए आप कौन सी कमांड नहीं चला सकते? शोरन कमांड. क्योंकि अगर आपने शोरन का एक्सेस दे दिया यूजर को, दैट यूजर कैन सी दी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर्ड है. क्लियर? इसीलिए शोरन इज नॉट अलाउड इन लेवल 1. क्लियर? हम अलाउ करेंगे फिर दिखाते हैं आपको कि कैसी चीजें दिखती हैं आपको. इतना क्लियर? लेवल 1 बाय डिफॉल्ट आपको कब मिलता है? जब भी आप यूजर exec मोड में जाते हो, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो दिस इज द डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल दैट इज बाइंडेड
टू एनी यूजर। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई यूजर नेम बनाते हो तो उसके साथ कौन सा लेवल होता है, लेवल वन। ठीक है, देखो मैंने आर टू पे एक यूजर नेम बनाया, यूजर नेम प्रवीण पासवर्ड सिस्को। क्या मैंने कोई प्रिविलेज लेवल बताया यूजर के साथ क्या है? मैंने वन भी नहीं बताया, जीरो भी नहीं बताया और 15 भी नहीं बताया। लाइन बी टी वाई 024 लॉग इन लॉकर, टेलनेट करते हैं प्रवीण सिस्को। क्या लेवल मिला, सॉरी किस मोड में एंटर किया आप, यूजर एग्जैक्ट मोड में। अब चेक करने के लिए कि आप किस, आपको क्या प्रिविलेज लेवल मिला है, क्या कमांड चला सकते हो आप, शो प्रिविलेज चल जाएगी। ठीक है, क्या लेवल मिला आपको, लेवल वन। ठीक है, डन। अब लेवल वन से आप कौन कौन सी कमांड चला सकते हो, कौन कौन सी कमांड बताई थी मैंने आपको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो की ऑलमोस्ट आप सारी कमांड चला सकते हो, शो आईपी राउट, शो आईपी ईएजीआरपी नेबर। ठीक है, शो रन, जब भी आपको ये एरर मिले इसका मतलब क्या है, आपने कुछ इनवैलिड टाइप कर दिया। राउटर विल नेवर एक्सेप्ट दिस कमांड इन यूजर एक्सेक मोड। ठीक है, कॉन्फिगर टर्मिनल कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पिंग कर सकते हो, कर सकते हो, टेलनेट कर सकते हो, ट्रेस राउट चलेगा। तो मॉनिटरिंग पर्पस या फिर ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए आप ये मोड यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई यूजर डिवाइस पे लॉगिन करे वो केवल सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सके, कुछ कॉन्फ़िगर ना कर सके, तो आप उसको क्या लेवल दे सकते हो, लेवल वन। ठीक है, रियल टाइम में जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हो, यूजर नेम कॉन्फ़िगर करते हो डिवाइसेस पे, हमेशा आप दो तरीके के एक्सेस देते हो, एक तो रीड ओनली और एक रीड राइट। जब भी कोई फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करता है उसको पहले क्या एक्सेस मिलता है, रीड ओनली, जिससे कि वो हर डिवाइस पे लॉगिन कर सके और देखे कि क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर्ड है, और अगर कुछ ना आता हो तो सीख ले। कभी भी आप किसी फ्रेशर को डायरेक्टली कंपनी में क्या नहीं देते, रीड राइट। अगर गलती से उसने कुछ भी हटा दिया तो नेटवर्क बैठ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज इन रियल टाइम पहले यूजर को मिलता है रीड राइट, एक दो महीने के लिए। जब वो हाँ भाई उसको जब सारी चीजें पता चल जाते हैं तो आप क्या करते हो, उसका लेवल चेंज कर देते हो। तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो लेवल वन क्या है आपका, रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, करेंगे यार सब डिस्कस करेंगे, रीड ओनली एक्सेस ऑफ द डिवाइस। यहां तक की दिखाई दे रहा होगा या यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। ठीक है, तो आखिरी लेवल है आपका लेवल 15। लेवल 15 का मतलब क्या है, यू आर द बॉस, कैन रन ऑल प्रिविलेज लेवल कमांड्स एज वेल एज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कमांड्स। आप कोई भी कमांड चला सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप मॉडिफाई कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड्स रन करते हो। ठीक है, अब आप सभी को पता है व्हेनेवर वी टाइप इनेबल वी आर एंटरिंग टू प्रिविलेज लेवल 15 और डिवाइस। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब भी आप इनेबल टाइप करते हो आप डिवाइस को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज गिव द लेवल 15।
whenever we are typing enable on router, we are requesting level 15 from the router. जब भी आप enable type करते हो तो आप किस level का access मांग रहे हो device से? Level 15 का. ये कौन सा मोड है? यूजर एक्सेस मोड. शो प्रिविलेज. क्या लेवल है? लेवल 1. जब भी आप इनेबल टाइप करते हो क्या लेवल मिलता है आपको? लेवल 15. ठीक है, क्लियर. अब बाय डिफॉल्ट कितने मोड इनेबल होते हैं? कितने लेवल है? 3 लेवल. 2 लेवल तो मैंने आपको दिखा दिए. लेवल 0 पे कैसे एंटर करें? हां जी तेरा हाँ? 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 देखो, आप चाहते हो कि जब भी कोई यूजर लॉगिन करे उस यूजर को लेवल क्या मिले? 1. रिक्वायरमेंट क्या है? ही शुड नॉट बी एबल टू टाइप इनेबल, राइट. आप नहीं चाहते कि यूजर नेम एबीसी है वो इनेबल मोड में जाके कोई भी कमांड चला सके, क्योंकि इनेबल में गया तो उसके पास सारा एक्सेस है. तो आप क्या कर सकते हो रियल टाइम में? मान लेते हैं अगर हमारे पास एबीसी, सीईएफ, प्रवीण, 3-4 यूजर है डिवाइसेस पे, तो हमेशा क्या होता है? एक नेटवर्क एडमिन होता है, बाकी क्या होते हैं? यूजर, जिनके पास फुल एक्सेस नहीं होता. तो जब भी आप चाहते हो कि डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस इनेबल मोड का एक्सेस ना ले सके, तो आप क्या करते हो? सेट इनेबल पासवर्ड एंड डू नॉट शेयर इट विद एवरीवन. आप चाहते हो कि ये दो यूजर हैं, ये दो यूजर इनेबल मोड में एंटर ना कर सके, तो आप क्या सेट कर दो? ऐसा कोई इनेबल पासवर्ड सेट कर दो जो केवल एडमिन को पता हो. प्रिविलेज लेवल के साथ देयर इज नो वे बाय विच यू कैन रिमूव एनी कमांड. अगर लेवल 1 में शो की कमांड चलती है वो कमांड चलेगी चलेगी, आप किसी भी कमांड को हटा नहीं सकते. वो आगे आएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लेवल 0 में कैसे एंटर करें. आप सभी को पता है लेवल 1 यूजर एक्सेक मोड, लेवल 15 प्रिविलेज एक्सेक मोड. ठीक है, अब लेवल 0 पे अगर आपको एंटर करना हो, देखो क्वेश्चन मार्क करो यहां पे, देखो जितनी भी कमांड आ रही है वो सारी कमांड आप चला सकते हो लेवल 1 से. मैंने टाइप किया इनेबल 0. शो प्रिविलेज, ये कमांड भी नहीं चलेगी. कौन कौन सी कमांड चलेगी? इनेबल, डिसेबल, एग्जिट, हेल्प, लॉग आउट. कब यूज करेंगे मैं बताऊंगा इसका यूज केस. वैसे तो कोई यूज नहीं करता इसको. कौन सी कमांड? ये सारी कमांड. हाँ ठीक है. अब देखो यहां पे एक चीज और आपने देखी कि अगर मुझे किसी भी प्रिविलेज लेवल में लॉगिन करना हो, एंटर करना हो, इनेबल के बाद मैंने क्या टाइप कर दिया? उसका लेवल नंबर. बाय डिफॉल्ट कितने लेवल इनेबल होते हैं? 3 लेवल, 0, 1 एंड 15. अगर मैंने टाइप किया डिवाइस पे इस मोड से, यूजर एक्सेक मोड से मैंने टाइप किया इनेबल 0, किस मोड पे जाऊंगा मैं? लेवल 0. अगर मैंने इस मोड से टाइप किया इनेबल एंटर, किस मोड पे जा रहा हूं मैं? हैं भाई, किस लेवल पे? लेवल 15. इसका मतलब क्या है? अगर आप इनेबल के बाद कोई लेवल स्पेसिफाई नहीं कर रहे, यू आर आस्किंग फॉर लेवल 15. ठीक है, या तो आप इनेबल एंटर कर लो, या फिर आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो इनेबल 15. दोनों केसेस में आप क्या मांग रहे हो? लेवल 15 एक्सेस फ्रॉम द डिवाइस. क्लियर इतना?
अगर मैंने टाइप किया इनेबल टू तो मुझे किस लेवल का एक्सेस मिलेगा, लेवल टू का, बट क्या बाय डिफॉल्ट लेवल टू कॉन्फ़िगर्ड होता है? नहीं, इनेबल टू, सॉरी इनेबल इनेबल नो पासवर्ड सेट, इनेबल थ्री नो पासवर्ड सेट, इनेबल फोर नो पासवर्ड सेट, इनेबल 15 हो जाएगा। या तो आप क्या टाइप कर दो, इनेबल या फिर इनेबल 15। जब भी आप इनेबल टाइप करते हो आपके पास क्या ऑप्शन है, यू कैन स्पेसिफाई दैट यू वांट विच लेवल एक्सेस। ठीक है, क्लियर। कितने लेवल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है? तीन लेवल। तीन लेवल में बाय डिफॉल्ट पहले से ही कमांड स्पेसिफाइड है कि आप कौन कौन सी कमांड चला सकते हो। ठीक है, नाउ देयर आर टू पॉइंट्स वी विल लर्न हाउ वी कैन एड एनी कमांड इन टू प्रिविलेज लेवल। कैसे जो लेवल 2 से लेवल 14 के बीच में लेवल है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले दो पॉइंट हमेशा पता होने चाहिए आपके, दो पॉइंट। पहला पॉइंट, देयर इज नो वे बाय विच यू कैन एक्सक्लूड एनी कमांड फ्रॉम डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स। अगर लेवल वन में शो की शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है आप उस कमांड को हटा नहीं सकते। तो अगला पॉइंट मैं बताऊं फिर आप खुद बता दोगे। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है, आप कोई कमांड हटा नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, हायर प्रिविलेज लेवल विल ऑलवेज इनहेरिट ऑल लोअर प्रिविलेज लेवल कमांड। ठीक है, मान लेते हैं हमने, आप सभी को पता है बाय डिफॉल्ट लेवल वन कॉन्फ़िगर्ड है। लेवल वन में हम शो की कमांड भी चला सकते हैं और पिंग टेलनेट ट्रेसर आउट। मान लेते हैं मैंने लेवल टू को इनेबल कर दिया। अब लेवल टू मैंने इनेबल क्यों किया, ताकि मैं कोई कमांड ऐड करा सकूं। ठीक है, क्लियर। मान लेते हैं मैंने कोई कमांड ऐड करानी है। अगर मैंने कोई कमांड ऐड नहीं कराई, लेवल टू वाला यूजर कौन सी कमांड चला सकते हैं जो आपने लेवल वन में है? लेवल टू वाला यूजर सारी कमांड चला सकते हैं जो कहां पे है, लेवल वन में। ठीक है, मान लेते हैं लेवल वन, लेवल टू। लेवल टू पे मैंने बता दिया कि भैया डिवाइस ना यूजर राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सके, राउटर EIGRP इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सके। हम बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड की, केवल EIGRP चला सके और इंटरफेसिस को कॉन्फ़िगर कर सके। और मान लो मैंने एक महीने बाद एक और यूजर बनाया लेवल फोर, और यहां पे मैंने एक कमांड का एक्सेस दिया बस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो ये यूजर लेवल फोर वाला यूजर कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद राउटर EIGRP भी चला पाएगा और इंटरफेस भी। क्यों? क्योंकि लेवल फोर लेवल टू से बड़ा है। एंड दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। अगर कोई भी लोअर लेवल है, हायर लेवल विल इंक्लूड इनहेरिट ऑल द लोअर लेवल कमांड। तो हमेशा याद रखना, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कि लोअर लेवल पे कम कमांड हो, हायर लेवल पे ज्यादा कमांड, अगर आपने प्रिविलेज लेवल यूज किया तो। ठीक है, राउटर विल नॉट ऑटोमेटिकली एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कमांड और लेवल ऑफ कमांड। एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू मेंटेन दिस ऑर्डर, क्योंकि यहां पे देखो अगर मैंने लेवल फोर में केवल एक कमांड ऐड की, लेवल टू में ज्यादा कमांड है, दिस इज नॉट गुड।
लेवल फोर वाला यूजर सारी कमांड चला सकते हैं लेवल टू की। क्लियर। अब पहली बात, अगर हम प्रिविलेज लेवल बना रहे हैं तो क्यों बनाएं? मान लेते हैं मैं चाहता हूं कि जब भी एक यूजर लॉगिन करे डिवाइस पे वो केवल इंटरफेसिस पे शट नो शट कर सके, बस एमरजेंसी के केसेस में केवल इंटरफेसिस को क्या कर सके, शट नो शट, बाकी कोई कमांड चलाए तो ना चला पाए। एक ये पर्टिकुलर रीजन हो गया। आई एम लिमिटिंग द नंबर ऑफ कमांड एंटर्ड बाय द यूजर। जब भी आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में यूजर कुछ ही कमांड चला सके, तो आप क्या यूज कर सकते हो, प्रिविलेज लेवल। आप सभी को पता है लेवल 15 अगर हमने दिया यूजर सारी कमांड चला सकता है, लेवल 1 दिया तो वो कोई कमांड कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं यूजर कहीं बीच में लेवल 10 मिल जाए उसको और लेवल 15 की कुछ कुछ कमांड चला सके, सारी कमांड ना चला सके, तो आप क्या यूज कर सकते हो, प्रिविलेज लेवल। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख रहे हो आप यहां पे, वो पहले पॉइंट से रिलेट कर लेना उसको आप। यू कैन ऐड एनी कमांड टू एनी प्रिविलेज लेवल, बट आप हटा नहीं सकते। ऐड आप कोई भी कमांड किसी भी लेवल में कर सकते हो, हटा नहीं सकते बस। ठीक है, अब कैसे ऐड करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट बाय डूइंग ए टास्क। एक टास्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लिमिट कर सकते हैं नंबर ऑफ कमांड एंटर्ड बाय द यूजर। हाँ जी, डिवाइस स्पेसिफिक। आप लेवल को यूजर के साथ बाइंड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अच्छा, मैं यूजर को लेवल के साथ बाइंड, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, इसके इसको लेवल फोर के साथ बाइंड कर दिया। ठीक है, अभी एक दूसरा यूजर बनाया रोहित, ठीक है, बट उसको एबीसी का एक्सेस ना देके मैं उसको ए और बी का एक्सेस देना चाहता हूं एंड सेम लेवल, दैट पॉसिबल? नहीं, आपको अलग लेवल बनाना पड़ेगा। हाँ, यू कैन बाइंड लेवल विद द यूजर। ठीक है, लेवल में जितनी कमांड है वो सारी कमांड चला पाएगा यूजर अगर आपने लेवल को बाइंड किया तो। वो भी करेंगे पहले, अभी हम लेवल यूजर को बाइंड नहीं करेंगे लेवल के साथ। ठीक है, पहले हम दूसरे तरीके के साथ लॉगिन करेंगे डिवाइस पे। ठीक है, टास्क क्रिएट टू यूजर नेम्स ऑन R2, प्रवीण एंड रोहित। प्रवीण शुड बी able to shut no shut any interface, assign IP address to the interface, बस इतना ही कर सके, shut no shut कर सके interface को और interface पे IP configure कर सके। वो पीछे वाला भाई कहाँ गया? अच्छा, ठीक है, रोहित शुड बी एबल टू रन फॉलोइंग कमांड्स। रोहित ये सारी कमांड चला सके, पहली पिंग, टेलनेट, फ्रेशर आउट, ऑल, राउटर, राउटिंग प्रोटोकॉल कमांड, राउटिंग प्रोटोकॉल की सारी कमांड चला सके, ई ऑल, शो कमांड सारी चला सके। ठीक है, प्रवीण को लेवल मिले लेवल 3 और रोहित को लेवल मिले लेवल 5। ठीक है, डन। हमें अब डिवाइस पे क्या करना है, दो लेवल कंफिगर करने हैं और इन लेवल के साथ क्या करना है, कुछ कमांड्स ऐड करनी है और फिर इन लेवल को किसके साथ बाइंड कर देना है, यूजर के साथ। इतना क्लियर सभी को?
बस आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप प्रिविलेज लेवल से कोई भी कमांड ऐड करा रहे हैं, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज whenever we are adding any command to privilege level we must know, हमें क्या पता होना चाहिए, in which mode we run that command, ठीक है. Second, what is the command we want to add? ठीक है, अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं. पिंग का, पिंग कमांड आप किस मोड में चलाते हो? एग्जेक मोड में. ठीक है, चाहे आपका यूजर एग्जेक मोड हो या फिर प्रिविलेज एग्जेक, है कौन सा मोड? एग्जेक मोड. कॉन्फ़िगर टर्मिनल किस मोड में आप चलाते हो कमांड? एग्जेक मोड. अगर मुझे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड ऐड करानी है, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कमांड आप किस मोड में रन करते हो? एग्जेक मोड में. भाई यहां पे जब भी आप ऐड करोगे तो एग्जेक मोड है, इसीलिए मैं एग्जेक बता रहा हूं. ठीक है, चाहे वो यूजर हो चाहे वो प्रिविलेज, आपके पास कीवर्ड क्या आता है? एग्जेक मोड. मान लो मैंने टाइप किया इंटरफेस एफ ए 0/0, ये कमांड किस मोड में चलाते हैं हम? कॉन्फ़िगर मोड. तो जब भी आपको कोई टास्क मिले कि आपको ये पर्टिकुलर कमांड ऐड करनी है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वो कमांड किस मोड में रन कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको ये पता है, यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी इन एडिंग द कमांड. ठीक है, क्लियर. तो करते हैं पहला टास्क. पहले टास्क में हमें बस क्या ऐड करनी है? कमांड शट, नो शट और असाइन कर सके आईपी एड्रेस. पहले लिख लेते हैं हम सारी कमांड, कौन कौन सी कमांड ऐड करनी है, कौन से लेवल में हमें कमांड ऐड करनी है. लेवल 3 कमांड्स, कौन कौन सी कमांड? एक तो शट डाउन और एक आईपी एड्रेस. आईपी असाइन कर सके तो आप कौन सी कमांड चलाते हो? आईपी एड्रेस. आप बताओ शट डाउन कमांड आप किस मोड में चलाते हो? इंटरफेस मोड में. आईपी एड्रेस किस मोड में चलाते हो? इंटरफेस मोड. ठीक है, अब मुझे लेवल 3 के साथ कौन कौन सी कमांड ऐड करनी है? शटडाउन और आईपी एड्रेस. ठीक है, अब कैसे हम कमांड ऐड करते हैं, क्या कीवर्ड हम यूज करते हैं? व्हेनेवर यू वांट टू ऐड एनी कमांड टू प्रिविलेज लेवल, सेट इनेबल. सबसे पहले क्या करो, आप जिस भी लेवल पे आप कमांड ऐड कर रहे हो उसका क्या सेट करो? इनेबल पासवर्ड. ठीक है, ये क्या है? ऑप्शनल. कब ऑप्शनल है? अगर आपने यूजर को लेवल के साथ बाइंड किया. अगर आपने यूजर को लेवल के साथ बाइंड नहीं कर रखा तो यू हैव टू सेट द इनेबल पासवर्ड. दूसरा, एड दी कमांड, जो भी कमांड आपको एड करानी है, कमांड को एड कराओ किस कीवर्ड के साथ? प्रिविलेज, ये कीवर्ड आपको यूज करना है. ठीक है, अब जब भी आप ये कीवर्ड यूज करते हो कमांड को एड कराने के लिए, कमांड सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, प्रिविलेज, उसके बाद आप यहां पे बताते हो मोड. कौन सा मोड? जिस मोड में आप वो कमांड चलाते हो, जो कमांड आप ऐड करना चाहते हो. ठीक है, प्रिविलेज मोड, उसके बाद कीवर्ड है लेवल, यहां पे आप बताते हो प्रिविलेज लेवल, उसके बाद कमांड दैट यू वांट टू ऐड.
सिंपल है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो कमांड के ऐड करनी है और वो कमांड किस मोड में आप रन करते हो, ठीक है। व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनी टास्क, सबसे पहले आप क्या करो, इस तरीके से नोट डाउन कर लो कि अच्छा मुझे शटडाउन कमांड ऐड करनी है तो किस मोड में चलती है, आईपी एड्रेस कमांड चलती है तो किस मोड में चलती है, ठीक है। अब अगर हम ये दो कमांड ऐड करेंगे, यूजर वॉन्ट बी एबल टू रन दीज कमांड्स, बताएंगे क्यों। पहले ये कमांड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनेबल पासवर्ड, यहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है लेवल, अगर मैंने इनेबल पासवर्ड और पासवर्ड टाइप कर दिया तो वो कौन सा पासवर्ड होगा, किस लेवल का पासवर्ड होगा, 15 ऑप्शनल है, आप टाइप करना चाहो या फिर अगर आप नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट लेवल, ये किस लेवल का पासवर्ड है, इनेबल लेवल 15, अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हो। मैंने पासवर्ड दे दिया सिस्को 3, अब ये बोलेगा कि प्लीज मेक श्योर आप आगे से क्या यूज करो, सीक्रेट, ताकि पासवर्ड आपका हिडन फॉर्मेट में सेव हो, ठीक है। इतना क्लियर, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया इनेबल पासवर्ड फॉर लेवल 3। अब इससे होगा क्या, कोई भी यूजर लॉगिन करेगा यहां पे क्या टाइप कर सकता है, इनेबल 3, क्या पासवर्ड है सिस्को 3, एक्सेस मिल गया। क्या अभी हमने कोई कमांड ऐड की लेवल 3 के साथ, नहीं, क्या यूजर कोई कमांड चला सकता है, भाई लेवल 3 दिया है हमने तो लेवल 1 की सारी कमांड इंक्लूड होंगी, पिंग टेलनेट ट्रेस राउट शो सारी कमांड चलेंगी, शो आईपी राउट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पिंग टेलनेट ट्रेस राउट, क्या शोरन चला सकते हैं हम लेवल 1 से, जो भी लेवल 1 में कमांड चला सकते हो आप वो सारी कमांड क्या हो गई, ऐड, और आप हटा नहीं सकते कोई लेवल 1 की कमांड, क्योंकि देर इज नो वे बाय विच यू कैन एक्सक्लूड एनी डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल कमांड, देर इज नो वे। अगर कस्टम है तो आप नो कर दो उसको, हट जाएगी वो। मान लो मैंने लेवल 3 में शट डाउन कमांड ऐड की, उसको नो कीवर्ड करके मैं हटा दूंगा, डिफॉल्ट से नहीं हटा सकते आप, डिफॉल्ट से आप नहीं हटा सकते, ठीक है। कॉन्फिगर टेम्पलेट टाइप कर सकते हैं लेवल 3 से, क्योंकि ये लेवल 1 में नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो कमांड ऐड कराते हैं, शटडाउन और आईपी एड्रेस, क्या कमांड यूज करेंगे ऐड कराने के लिए, प्रिविलेज, इसके बाद क्या पूछेगा ये, मोड, देखो कितने सारे मोड हैं, ठीक है, हर कमांड के लिए मोड अवेलेबल है, बहुत है। अगर आपको एग्जैक्ट कमांड की कोई भी कमांड, एग्जैक्ट मोड की कोई कमांड बताने तो कीवर्ड क्या होगा, एग्जैक्ट, कॉन्फिगर मोड की तो कॉन्फिगर, इंटरफेस मोड की तो इंटरफेस, राउटर मोड की तो राउटर, मतलब इतना मुश्किल नहीं है ढूंढना। तो हमें किस मोड के लिए कमांड ऐड करनी है, प्रिविलेज, एग्जैक्ट, किस लेवल के लिए, लेवल 3, क्या कमांड ऐड करनी है, शटडाउन, नो अपने आप इंक्लूड हो जाता है, इतना क्लियर। अब हमने लेवल 3 पे क्या कमांड ऐड कर दी, शटडाउन, R1 से जो हमने टेलनेट कर रखा है, अभी देखते हैं क्या लेवल है, कितना लेवल है, क्योंकि मैंने पहले एंटर किया था। अब ये यूजर कौन सी कमांड चला सके, शटडाउन, क्या चला सकता है शटडाउन, नहीं, क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि अगर शटडाउन कमांड चलानी है, राउट, यूजर मस्ट एंटर इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन रन विच कमांड, इंटरफेस, देन शट नो शट, इतना क्लियर है आप सभी को। जब भी आपको कोई टास्क मिले, व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनी टास्क कि भैया तुम ये कमांड ऐड करा दो, केवल आपको वो कमांड ऐड नहीं करानी, आपको इस तरीके से इमेजिन करके चलना पड़ेगा कि मान लो आपने डिवाइस पे लॉगिन किया,
लॉगिन करोगे तो सबसे पहले क्या पूछेगा, डिवाइस इनेबल यूजर एग्जेक्ट मोड में, आप पहुंच गए प्रिविलेज एग्जेक्ट मोड में, सबसे पहले अगर आपको इंटरफेस पे कोई भी इंटरफेस शटडाउन करना है, सबसे पहले आप क्या टाइप करते हो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद क्या टाइप करते हो, इंटरफेस, उसके बाद शटडाउन करते हो। तो अगर आपको केवल एक कमांड चलानी है उसके लिए आपको कौन कौन सी कमांड ऐड करानी पड़ेगी, इंटरफेस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इनेबल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है लेवल वन में, समझे। अगर आपको एक कमांड चलानी है पहले आपको देखना है, अगर मान लो मैंने लॉगिन किया डिवाइस पे तो उस कमांड को चलाने के लिए और कौन कौन सी कमांड ऐड करनी है, शटडाउन वो कमांड चला ही नहीं सकते आप। तो अगर मुझे एक कमांड चलानी है शटडाउन, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। सबसे पहले आप क्या करो, सारी कमांड नोट डाउन कर लो स्टार्टिंग में, अगर आपको आप चाहते हो कोई दिक्कत ना आए तो, ठीक है। सबसे पहले आप डिवाइस पे कमांड चलाओगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद कमांड चलाओगे इंटरफेस FS0/0, उसके बाद आप चलाओगे शटडाउन। वहां पर भी कर सकते हैं, कल करेंगे ट्रिपल ए के साथ। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, कल हो जाएगा क्लियर। क्या पहले हम केवल शटडाउन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब अगर नहीं चलेगा, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रुको एक मिनट। अब मुझे अगर केवल शटडाउन कमांड चलानी है, आई शुड बी एबल टू रन कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस एंड शटडाउन। अब आप सभी मुझे बताओ कॉन्फ़िगर टर्मिनल किस मोड में हम रन करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कमांड ऐड करानी है मुझे मोड पता होना चाहिए किस मोड में चलाते हैं, एग्जैक्ट मोड, इंटरफेस, कॉन्फ़िगर, शटडाउन, इंटरफेस, और मैंने कमांड भी गलत ऐड करा दी। क्या कमांड ऐड कराई थी मैंने, प्रिविलेज एग्जैक्ट लेवल, क्या है हम एग्जैक्ट लेवल में चलाते हैं शटडाउन, नहीं इंटरफेस लेवल में, ये कमांड भी गलत है, ठीक है, क्लियर। अब अगर मुझे डिवाइस पे एक कमांड चलानी है शटडाउन, उसके लिए मुझे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल को ऐड कराना पड़ेगा, इंटरफेस को ऐड कराना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं शटडाउन ऐड करा सकता हूं। ऐसा नहीं बस आपने शटडाउन ऐड करा दिया आपका काम खत्म। भाई अगर यूजर के पास कॉन्फ़िगर मोड का ही एक्सेस नहीं है तो वो कहां से शटडाउन करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर टू रन दैट पर्टिकुलर कमांड यूजर इज हैविंग स्पेसिफिक प्रिविलेज, उस लेवल तक पहुंच सके यूजर, ठीक है। तो अब हम तीन कमांड ऐड कराएंगे, एक एग्जेक्ट मोड में, एक कॉन्फ़िगर मोड में और एक इंटरफेस मोड में। पहली कमांड प्रिविलेज एग्जेक्ट लेवल 3 कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब अगर कोई यूजर ऑलरेडी एक्सेस है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्या यूजर यहां पे इंटरफेस FS0/0 टाइप कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने अभी एक्सेस नहीं दिया। अगर इंटरफेस मोड में नहीं जा सकता तो वो शटडाउन भी नहीं कर सकता। तो हमें अब दो और कमांड ऐड करानी है, एक तो इंटरफेस और एक शटडाउन। क्या मोड होगा इंटरफेस के लिए, कॉन्फ़िगर लेवल 3 इंटरफेस। हमेशा याद रखना जब भी आप कमांड ऐड करते हो प्रिविलेज लेवल में, देयर इज नो वे बाय विच यू कैन लिमिट कि इंटरफेस FS0/0 हो, 0/1 हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंटरफेस। अगर आपने इंटरफेस कमांड ऐड की, यू कैन शट नो शट, अगर आपको जो भी प्रिविलेज है इंटरफेस लेवल का आप हर इंटरफेस के साथ कर सकते हो, देयर इज नो वे बाय विच यू कैन लिमिट दिस थिंग। देखो मान लो मैंने लिखा इंटरफेस FS0/0, राउटर केवल इतनी कमांड एक्सेप्ट करेगा यहां तक, इसके बाद वाली कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा। डू शो रन सेक्शन प्रिविलेज,
देखो कितने कमांड एक्सेप्ट किए, इंटरफेस एफ ए जीरो बाय जीरो नहीं, ठीक है। तो दो कमांड ऐड हो गई, उसके बाद क्या ऐड करना है, शट डाउन प्रिविलेज इंटरफेस लेवल थ्री, शॉर्ट फॉर्म भी चल जाएगी शट। अब अगर आप जाओगे इंटरफेस एफ ए जीरो बाय जीरो लॉगिन कर सकते हो, जीरो बाय वन कर सकते हो, जितने भी इंटरफेस है वहां पे लॉगिन कर सकते हो, क्या कमांड चला सकते हो, शट डाउन। क्या आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, टैब ही नहीं चलेगा, कमांड नॉट एक्सेप्टेड, क्वेश्चन मार्क, केवल आप क्या कमांड चला सकते हो, शट। क्या मुझे नो शट ऐड करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो कीवर्ड अवेलेबल होता है। जो भी कमांड मैंने ऐड करी है उसको मैं क्या कर सकता हूं, नो, नो शट, नो आईपी एड्रेस, ये सब चीजें क्लियर। अभी हमने बस डिवाइस पे कितनी कमांड ऐड कराई, केवल एक कमांड ऐड कराई, एक कमांड को ऐड कराने के लिए हमने कितनी कमांड ऐड करानी पड़ी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस एफ ए जीरो बाय जीरो, इतना क्लियर आया कुछ समझ में। शटडाउन ऐड अगर हमें कमांड ऐड करानी है तो हमें पता होना चाहिए कि यूजर के पास कॉन्फ़िगर टर्मिनल का भी एक्सेस हो और इंटरफेस का भी, इतना क्लियर। तो इसलिए हमने तीन कमांड ऐड कराई अगर हमें इंटरफेस को शटडाउन करना है तो। अब टास्क में हमें एक और टास्क मिला था कि यूजर क्या कर सके, आईपी एड्रेस टाइप कर सके। अब जब भी आपको कोई नई कमांड ऐड करानी हो ना तो हमेशा उसी सीक्वेंस में चलो कि अगर आपने डिवाइस पे लॉगिन किया तो सबसे पहले आप कौन से कमांड चलाओगे, उसके बाद कौन सी कमांड चलाओगे, इजी रहेगा। जाना ही पड़ेगा, हाँ हाँ। अब मान लेते हैं हमें क्या है कमांड ऐड करानी है, आईपी एड्रेस, तो डिवाइस पे हम कौन कौन सी कमांड चलाएंगे बताओ भाई, बताओ सबसे पहले क्या टाइप करेंगे डिवाइस पे। अब मैंने मान लो आपने टेलनेट किया डिवाइस पे, तो सबसे पहले कौन सी कमांड चलाओगे, इनेबल थ्री चलाओगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या टाइप करोगे भाई, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अगर तुमने कमांड चलानी है आईपी एड्रेस, कहां पे चलाते हो आईपी एड्रेस, इंटरफेस पे, राइट। अब मान लेते हैं मैंने डिवाइस को टेलनेट किया, तो सबसे पहले मैं क्या कमांड चलाऊंगा, इनेबल थ्री, उसके बाद यहां पे क्या कमांड चलाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबसे पहले कमांड क्या चलाएंगे, कॉन्फ़िगर, उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद इंटरफेस, ये देखो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस एफ ए जीरो बाय जीरो, और यहां पे चलाते हैं हम, तो मुझे क्या क्या कमांड ऐड करानी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस, इंटरफेस एफ ए जीरो बाय जीरो और फिर आईपी एड्रेस। अब ये जो कमांड हमने ऐड कराई थी ये किस लेवल के लिए थी, अब ये जो कमांड हम ऐड करा रहे हैं किस लेवल के लिए है, सेम लेवल। अब आप बताओ क्या मुझे, क्या लेवल थ्री पे यूजर कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि हमने पहले ऐड कराई थी, तो दोबारा ऐड कराने की जरूरत नहीं है। क्या यूजर इंटरफेस टाइप कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि हमने पहले ऐड कराई थी। क्या यूजर आईपी एड्रेस टाइप कर सकता है, नहीं, तो हमें बस कितनी कमांड ऐड करानी पड़ेगी, केवल एक, बट आपको मेक श्योर करना है कि पहले वाली कमांड है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस किस मोड में चलाते हो आप, इंटरफेस मोड, तो आप एक कमांड ऐड करा दोगे, प्रिविलेज एग्जैक्ट सॉरी इंटरफेस लेवल थ्री, और क्या कमांड, आईपी है, ठीक है, डन। अब अगर कोई यूजर आएगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल वो टाइप कर सकता है, क्यों, क्योंकि पहले से हमने कमांड ऐड करा रखी थी,
इंटरफेस एफ 0/0 टाइप कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले इंटरफेस ऐड कराया था, पहले उसके पास आईपी वाला ऑप्शन नहीं था, अब क्या आ गया आईपी, तो वो क्या कर सकता है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर। क्लियर डन, अब तुम बताओगे अगला टास्क। ये टास्क क्लियर है सभी को, यूजर नेम प्रवीण के लिए हमने दो कमांड ऐड करानी थी तो दो कमांड ऐड करा दी, डन। अभी हमने यूजर को लेवल के साथ बाइंड नहीं किया था, यूजर ने क्या किया पहले टाइप किया, पहले यूजर ने क्या किया डिवाइस को टेलनेट किया, टेलनेट करने के बाद उसने क्या टाइप किया इनेबल 3, मतलब हमने यूजर के साथ क्या शेयर कर रखा था केवल इनेबल 3 का पासवर्ड, ठीक है। अगला टास्क करने से पहले मैं दिखा देता हूं आपको, यूजर नेम प्रवीण प्रिविलेज 3 पासवर्ड सिस्को। अब आप नहीं चाहते कि भैया यूजर जब भी लॉगिन करे उसको पहले यूजर नेम पासवर्ड टाइप करे फिर दोबारा से वो क्या टाइप करे इनेबल 3। अब भैया आपने एक ही लेवल का कमांड दे रखी है उसको तो डायरेक्टली वो उस लेवल में क्यों ना एंटर कर जाए, तो अब अगर आप चाहते हो कि यूजर नेम प्रवीण डायरेक्टली किस लेवल में एंटर कर जाए लेवल 3 में, तो आप क्या कर सकते हो यूजर नेम को बाइंड। अगर आपने यूजर नेम को लेवल के साथ बाइंड किया इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, रियल टाइम में हमेशा आपको क्या मिलेगा यूजर नेम बाइंडेड विद द प्रिविलेज लेवल। तो अभी अगर मैं नो इनेबल पासवर्ड लेवल 3 भी कर दूं तो चलेगा क्योंकि मैं इनेबल 3 टाइप ही नहीं कर रहा। अब होगा क्या अगर किसी यूजर ने लॉगिन किया प्रवीण सिस्को डायरेक्टली किस लेवल में चला गया 3 में, अब यूजर को कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है इनेबल 3। अब मेरी स्पीड फास्ट हो गई, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताया वो क्लियर है, यूजर नेम को आप बाइंड करोगे तो क्या फायदा होगा, अगर आपने यूजर नेम को बाइंड किया तो डायरेक्टली यूजर लेवल पे एंटर करेगा, अगर आपने बाइंड नहीं किया तो पहले यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेगा फिर इनेबल जो भी लेवल है वो टाइप करेगा। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो इनेबल वाली कमांड को स्किप कर सकते हो क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक यूजर है प्रवीण उसको लेवल 3 का भी एक्सेस दे दो और लेवल 4 का भी, एक ही लेवल का एक्सेस दोगे तो क्यों ना उसको बाइंड कर दे, रियल टाइम में हमेशा क्या होता है बाइंड, ठीक है। डन, इतना क्लियर। अब अगला टास्क आप सभी बताओगे कैसे करेंगे, ठीक है। अगले टास्क में कौन कौन सी कमांड ऐड करानी है, रोहित यूजर नेम के लिए हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है लेवल 5, बाइंड कैसे करते हैं लेवल को यूजर के साथ, क्लियर है सभी को, यूजर नेम के साथ क्या ऐड कर दो प्रिविलेज कीवर्ड, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यूजर नेम रोहित पहले से कॉन्फ़िगर्ड है तो यूजर नेम रोहित क्या क्या यहीं पे हो जाएगा ना, क्या मैं नहीं करूंगा तुम बताओगे कमांड। देखो मान लो मेरे को यूजर नेम रोहित को बाइंड करना है लेवल के साथ यूजर नेम प्रिविलेज, जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा से पासवर्ड टाइप करूं, पहले से यूजर नेम अगर ऐड हो तो आप केवल कितना टाइप कर दो यूजर नेम रोहित प्रिविलेज 5, अपने आप डिवाइस क्या करेगा जो दो कमांड चलाई है आपने यूजर नेम रोहित, अच्छा नहीं है क्या यूजर नेम, नो यूजर नेम रोहित, मान लेते हैं मैंने पहले ही मेरे पास एक यूजर नेम पड़ा है रोहित पासवर्ड सिस्को और मैंने कमांड चला दी यूजर नेम रोहित प्रिविलेज 5, अब डिवाइस क्या करेगा दोनों कमांड को कंबाइन करके एक कमांड बना देगा, ठीक है डन। अब कल ही करेंगे, ठीक है। तो ये टास्क हम करेंगे कल, कल डिस्कस करेंगे प्रिविलेज लेवल ये खत्म करेंगे पार्सर व्यू और ट्रिपल ए, ठीक है।